हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। दोस्तों आज हम इंडिया के लार्जेस्ट प्रोजेक्ट यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी हम आज आपको देंगे, इसी के साथ साथ प्रोग्रेस भी आपको बताएंगे। दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उसका कारण क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। बस आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में हुई और 2010 में इसका ब्लूप्रिंट बनाया गया। 2012 में ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 2013 में जापान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई बॉडी बनाई जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी DMICDC कहते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया की कैपिटल दिल्ली से लेके इंडिया की लार्जेस्ट सिटी मुंबई तक चलेगी। इसकी टोटल 1500 किलोमीटर की लेंथ होगी और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन बताया गया है। दोस्तों इस कॉरिडोर में 24 इन्वेस्टमेंट रीजन्स, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स, 2 पावर प्लांट्स और 2 नए लॉजिस्टिक हब्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से इंडिया के 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी इन्फ्लुएंस होगी और वो है दिल्ली, हरियाणा, UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये सभी स्टेट्स इस प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का लेंथ 1500 किलोमीटर है और उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र इन दो स्टेट्स में करीब 1100 किलोमीटर का इस प्रोजेक्ट का इन्फ्लुएंस होगा और बाकी के स्टेट्स में सिर्फ 400 किलोमीटर का इन्फ्लुएंस होगा। और ये इंडिया का अब तक का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। तो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट से हमें क्या फायदे होंगे। दोस्तों सबसे पहले फायदा यह होगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तेजी से बूस्ट हो जाएगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, नई सिटीज फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड किए जा रहे हैं। इसी कारण दोस्तों इंडिया और बिजनेस फ्रेंडली हो जाएगा। और दोस्तों क्योंकि इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है तो बहुत सारे जॉब भी क्रिएट होंगे। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 3 मिलियन से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं और दोस्तों पूरे कॉरिडोर में 50 मिलियन से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स और 250 मिलियन से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब इस प्रोजेक्ट से बन सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमारे फार्मर्स को इफेक्ट हो सकता है और हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इससे इफेक्ट हो सकती है। दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है और अभी फेज 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये फेज 1 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, फेज 2 2030 तक और पूरा प्रोजेक्ट 2037 तक कंप्लीट हो जाएगा। असल में दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट 2030 में कंप्लीट होने वाला था। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है। पहला कारण ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट में नहीं डाला। दोस्तों गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट बनाने में लैंड लिटिगेशंस और दूसरे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं और उसे सॉल्व करने में गवर्नमेंट को सालों लग जाते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट में डाला होता तो ये प्रॉब्लम्स कुछ ही महीनों में सॉल्व किए जा सकते थे। दोस्तों गवर्नमेंट को प्रेजर नहीं है, ना पॉलिटिक्स से है ना मीडिया से है। दोस्तों हमारे पॉलिटिशियंस कभी ये नहीं पूछते कि ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है और इसमें क्या क्या लिटिगेशंस आ रहे हैं और इसे आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर तो कुछ पॉलिटिशियंस उन्हें सपोर्ट करते हैं और पॉलिटिकल गेम्स भी इसके साथ करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है इंडिया में प्रोजेक्ट्स डिले होने का। और दोस्तों हमारी मीडिया कभी गवर्नमेंट को ये सवाल नहीं करती कि ये प्रोजेक्ट अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है और आप इसको फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं डाल रहे और इसे जल्द से जल्द क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और अफसोस की बात ये है दोस्तों कि हमें दिखाया जाता है कि तैमूर क्या कर रहा है, हमें दिखाया जाता है कि तैमूर क्या कर रहा है, हमारी बॉलीवुड की हर छोटी से बड़ी गॉसिप्स के बारे में हमें बताया जाता है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मीडिया कवरेज नहीं देती। और डिले हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है और इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो, ऐसे गवर्नमेंट से सवाल भी नहीं करती। तो ये भी एक कारण है दोस्तों ये प्रोजेक्ट डिले होने का। और तीसरा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इंडिया को एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने का और इंडिया में स्किल लेबर की कमी है। ये भी इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों जिसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमारा स्किल लेबर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है और इंडिया को आने वाले प्रोजेक्ट्स में इससे बहुत हेल्प होगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस। दोस्तों अभी तक गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगा दिए और 4 नए इंडस्ट्रियल सिटीज अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो है शेंद्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, दूसरा है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो गुजरात में है, तीसरा विक्रम उद्योगपुरी स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश और चौथा है IIT यानी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा।
दोस्तों इन चार सिटीज में से दो सिटीज का लगभग ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर उसे कहते हैं जब भी आप एक नई सिटी बनाते हो तो उस सिटी का बेसिक नेसेसिटी पहले बनाई जाती है, जैसे कि वाटर सिस्टम, सेवरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड वगैरह, ये सभी पहले बनाए जाते हैं। और वो दो सिटीज जिसमें ये कंप्लीट हो चुका है या लगभग कंप्लीट होने वाला है वो है शेंद्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया और IIT नोएडा। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 37 कंपनीज को लैंड अलॉट कर दिया है वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, और उसमें से बड़ी कंपनीज हियोसंग कॉर्पोरेशन और माइक्रोमैक्स कॉर्पोरेशन है। दोस्तों हियोसंग कॉर्पोरेशन 3,000 करोड़ रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है और 100 एकड़ से ज्यादा लैंड पे वो अपना प्रोडक्शन प्लांट बनाएगी। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोमैक्स IIT नोएडा में इन्वेस्ट कर रही है 500 करोड़ रुपए और वो करीब 20 एकड़ से ज्यादा लैंड पे अपना प्रोडक्शन प्लांट बना रही है। दोस्तों दूसरे दो सिटीज पाटिल जी, ये आगे वाली जगह हमारी ही है पर हमने पीछे से इसलिए शुरू किया, मैंने उस दिन बताया था ना, तो यहाँ से करते ना तो फिर यहाँ कोई नहीं लेता। लेता नहीं, बराबर ये रास्ता है गांव का, रास्ता होता है। बट वो लैंड क्यों अच्छी है क्योंकि जो एंट्रेंस आ रहा है ना जो धोलेरा सर का, वो नहीं बड़ी बिल्डिंग जो, उससे 3 और 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ से वो एंट्रेंस होगा 8 किलोमीटर। जो ABC बिल्डिंग है वो ही ना? नहीं नहीं, ABC नहीं, एंट्रेंस जो बनता है ना वो चलो एक मिनट विचारो, पहले एक भी बैंक नहीं थी, अभी इतनी बैंक अंदर होगी।